Hey guys, I'm Shraddha and welcome to Shraddha Recipes. और आज मैं आपके लिए बहुत ही delicious and yummy recipe लेके आई हूँ. तो अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो please like करें, जितना हो सके share करें and subscribe ज़रूर करें मेरा channel, ताकि आप तक मेरी हर latest updates बहुत ही आसानी से पहुँच सके. तो please like, share and subscribe my channel and share this video. तो चलिए फिर start करते हैं. तो आज हम बनाने वाले हैं वेरी हेल्दी एंड वेरी क्रिस्पी यमी दलिया का पकौड़ा. तो दलिया आप सबको पता है कितना हेल्दी होता है, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करें. आज दलिया का क्रिस्पी सा पकौड़ा हम लोग तैयार करेंगे, या आप इसे रोल भी बोल सकते हैं, दलिया रोल. तो दलिया रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बॉयल्ड पोटैटोज यानी उबले हुए आलू लिए हैं, चार स्मॉल छोटे साइज के लिए हैं, और इसे अच्छे से हमें मैश कर देना है. पहले तो अच्छे से एक एक आलू को ऐसे अच्छे हाथों से तोड़ लेंगे, या आप स्पून से या मैशर से, जिससे भी आप मैश करना चाहें. तो पहले हाथों से इसे ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, फिर स्पून से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं. ये अच्छे से बॉयल है तो बहुत ही आराम से मैश भी हो जाएगा. इसके आलू को अच्छे से कम 4 से 5 विसल आने तक का इसे उबाल लें. अभी ये अच्छे से मैश हो चुका है. अब हमने इसमें दलिया मिलाना है. दलिया को हमने पहले ही पानी में उबाल करके पका लिया है. इससे क्या होगा, दलिया जो है वो सॉफ्ट रहेगा, बहुत टाइट नहीं लगेगा. तो दलिया अब हम मिला लेते हैं, इससे मिक्सिंग भी अच्छी होगी और पकौड़ा भी है वो बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनेगा. तो दलिया को और आलू को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम बढ़िया तरीके से. तो अभी हमारा दलिया में हम मिक्स करेंगे धनिया पत्ती, जो कि मैंने बारीक काट ली थी. और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची. टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं एक एवरेज सारा टेस्ट रखना चाहती हूँ. और रेड चिली पाउडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, नमक, काली मिर्च है, और ये है भुना हुआ धनिया का पाउडर, और भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए. तो इतने इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला हमें नहीं ऐड करना, जस्ट जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, टेस्ट में भी अच्छा हो. बस इन सबको हमें पहले अच्छे से मिक्स कर देना है दलिया मिक्सचर में. और इसके बाद अब हम इसका थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे, ताकि हमारे रोल की बाइंडिंग में आसानी हो, अच्छे से बाइंड हो जाए. और मिक्सचर को जहाँ तक कोशिश करें कि ड्राई रखें, बहुत ज़्यादा ये गीला नहीं होना चाहिए. बॉइल्ड पोटैटो से भी ड्राई कर लें, एंड दलिया को भी पकाने के बाद छान के अच्छे से थोड़ा सा ड्राई कर लें. तो ये सब कुछ अच्छे से अब हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जब परफेक्ट मिक्सचर रेडी हो जाए तो फिर हमें रोल बनाना है. तो इसे बनाना बहुत आसान है, और जैसे कि दलिया की खिचड़ी या मसाला दलिया बनाते हैं तो उससे बहुत आसान है ये बनाना, और टेस्टी भी बहुत लगता, थोड़ा क्रिस्पी होता, तो हेल्थ और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा है इसके साथ. तो मेरा मिक्सचर रेडी है, अभी एक बड़ा पोर्शन लेंगे और इसको ऐसे रोल करके हम इसका रोल रेडी कर लेंगे, जैसे कि ब्रेड रोल्स बनाते हैं. तो ये देखिए रोल हमारा रेडी है दलिया का, और परफेक्ट है. आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ, चाय के साथ ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगता है. और अब तो विंटर्स आ गए हैं, सर्दियों में तो परफेक्ट है. पकौड़ा वकौड़ा लोग वैसे ही ट्राई करते, तो क्यों ना अगर हमें पकौड़ा ही ट्राई करना तो कुछ क्रिस्पी, कुछ हेल्दी सा ट्राई करें. तो दलिया पकौड़ा जो है वो, या दलिया रोल, परफेक्ट ऑप्शन है. तो इस तरीके से हम अपने रोल्स रेडी कर लेंगे. तो रोल्स हमारे रेडी हैं, आप देख सकते हैं कि बढ़िया से रेडी हैं. अब मैंने एक कढ़ाई में यहाँ ऑयल चढ़ा के रखा है, हीट हो गया है ये आँच, पता लग रहा है हाथ पे. तो अब हम इसमें एक एक करके रोल्स अपने डालेंगे, और इसे हमें फ्राई कर लेना है. तो ये रोल्स हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन चारों तरफ से एक जैसा फ्राई कर लेना है. तो ये बनाना बहुत आसान है, और बिलीव में बहुत टेस्टी लगता है, और बहुत जल्दी से बन भी जाता है. तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हो अचानक से, तो आप फटाफट से कुछ डिफरेंट दलिया रोल बना सकते हैं और उन्हें सर्व करेंगे. वो डेफिनेटली आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि अच्छा दलिया रोल है तो कैसे बनाएं. आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग. तो ये देखिए ये अच्छे से हो रहा है फ्राई, और इसको ये देखिए थोड़ा सा भी हुआ है, और ये काफ़ी परफेक्ट है. और इसी तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है.
ये मैंने एक ट्रे ली है और इस पे मैंने टिश्यू पेपर डाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमारी दलिया रोल रेडी हैं, इसे ऑयल से निकालेंगे और सीधे टिश्यू पेपर पे डालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर पे। ये देखिए, और इसी तरीके से बाकी के सेम वे में हमारे जितने रोल हैं वो सारे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो अभी हमारी दलिया रोल रेडी है, मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। दिखने में जितनी बढ़िया है उतने ही खाने में बढ़िया है। मैं आपको एक रोल दिखाती हूँ ब्रेक करके। तो ये देखिए एक रोल है और अभी गर्मा गर्म है और ये बाहर से कितना क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो मैं इसे आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से परफेक्ट, बिल्कुल कोई मसाला ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट हेल्दी मसाले हैं। तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें।